पीछे हो जाओ। तूफानी बाइक तैयार हो जाओ। तो चलो चले। रुक जाओ, कुंफू पांडव भाग रहे हैं। सरदार, कुंफू पांडव भाग रहे हैं, क्या हम उनका पीछा करें? जरूरत नहीं है, वो वापस आएंगे। शायद हम यहां पर सुरक्षित है दोस्तों। बादशाह, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शक्ति। कोबरा मिसाइल ने हमारे कवच को बर्बाद करके रख दिया, पर हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है। पर बादशाह, हालत और खराब होती जा रही है। हमारे बदलाव का जो सॉफ्टवेयर है खराब हो चुका है, इसका मतलब अब हमारा कवच खराब हो चुका है। अगर हम किसी भी तरीके से डॉक्टर रस्तोगी और अंजलि से संपर्क कर पाए तो मदद मिलने की संभावना हो सकती है। सूर्या, पर उन्हें जीएसबी से निकाल दिया गया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिमाग की भुर्जी बन गई है। फिर भी हमें पुष्टि कर लेनी चाहिए कि भट्टीगढ़ ही गोहान का शहर है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। सूर्या, क्या तुम शाकल से हमारी बात करवा सकते हो अभी? हाँ, क्यों नहीं। मगर शक्ति, अचानक ऐसी क्या बात हो गई? फिलहाल जीएसबी में शाकल है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वही जीएसबी में एक लौते है जो हम लोगों को डॉक्टर रस्तोगी से मिला सकते हैं। हमारी टीम में जितने भी मुख्य दर्जे के अधिकारी हैं, वो कुंगफू पांडव के लिए चिंता जता रहे हैं। उन्हें सारी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बाहर के लोग काफी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। मीडिया और पेपर वाले जीएसबी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम भी एलियंस के साथ मिले हुए हैं, पर हम नहीं, कुंफू पांडव मिले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जीएसबी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अगर वो ऐसा ही करते गए तो लोगों का हम पर से भरोसा ही उठ जाएगा। सीधी भाषा में कहूँ तो लोगों का गुस्सा हम पर बढ़ता ही जा रहा है। शाकाल, तुम जीएसबी के मुखिया हो, क्या कहना है तुम्हें? बताओ शाकाल। ओह, मैं समझ गया। खुफिया ऑपरेशन शुरू करते हैं। कुंफू कवच में जानकारी डाटा और विपरीत प्रोग्राम डाल दिया जाए। हाँ, ये ऐसे नहीं, इसे ऐसे करके देखता हूँ। ये नहीं। हाँ, ये ऐसे, इसे राइट में लेता हूँ। सही हो रहा है, मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ये भी सही है। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसे। डॉक्टर रस्तोगी, माफ करना डॉक्टर रस्तोगी, मैं बिना बोले ही अंदर आ गया। सुनो सूर्या, जानबूझ के तुम्हें अंदर आने दिया है, नहीं तो तोड़ के अंदर आना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था। डॉक्टर रस्तोगी। ओह शक्ति, सब कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें मेरा नया कवच पसंद आया? है ना जबरदस्त, बोलो।
जब तुम्हारे पांचों कवच एक साथ इस्तेमाल होंगे तो तुम्हें बहुत ही बेहतरीन सा तोहफा मिलेगा। डॉक्टर रसोगी, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, मेरा पांडव कवच ठीक से काम भी नहीं कर रहा है डॉक्टर। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? एलियंस की कोबरा मिसाइल बहुत खतरनाक है, उसने हमारे कवच की धातु को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, कोबरा मिसाइल? हाँ डॉक्टर रसोगी, कोबरा मिसाइल ने हमारे कवच पे जंग लगा दिया है और हमारे कवच के सॉफ्टवेयर को खराब कर दिया। अच्छा, क्या ये तुम्हारे इंसानी शरीर पर भी असर करता है? नसीब से तो नहीं। ओह, ये शायद धातु नाशक मिसाइल है, मैंने इसे पिछले महीने बनाया था, पर ये दुश्मनों के हाथ में कैसे चली गई, वो भी बिना इजाजत के। ये तो जीएसबी का खुफिया हथियार है, तुम्हें क्या लगता है? अब हम लोग जीएसबी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो लोग तो बस हम लोगों की उलझने बढ़ा रहे हैं डॉक्टर रस्तोगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जीएसबी अपने वफादारी के लिए मानी जाती है, पर इस बार वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास पैसों की तंगी आ गई है, जीएसबी काफी तेजी से अपना खर्चा कम कर रही है। डॉक्टर रस्तोगी, क्या आप इस मिसाइल का कोई तोड़ बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं, वैसे एक तरीका है जिससे संक्रमित होने से बच सकते हैं, और ये तरीका कारगर होना चाहिए डॉक्टर। सूर्या, क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो कि कोबरा मिसाइल के वजह से बदलाव के धातु में कोई असर हुआ हो सकता है? क्यों, क्या इसके परमाणु रचना में कोई गड़बड़ी हुई है? डॉक्टर रस्तोगी, अगर हमें ये पता होता तो क्या हम आपसे पूछते? बताइए डॉक्टर रस्तोगी। अच्छा अच्छा, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो खुफिया जानकारी है, शाकाल के अलावा किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्दी वापस आना होगा ताकि मैं तुम्हारे कवच की जांच कर सकूं। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर रस्तोगी, आप जानते हैं हम अभी एक मिशन पर हैं। हमें किसी भी हालत में मिशन 24 घंटे के अंदर खत्म करना होगा, अगर हम आपके पास आए तो मिशन वक्त पे पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए जब तक मैं सामने से कवच की जांच ना करूं। डॉक्टर रस्तोगी, अगर हम कवच को आपके पास लेकर आए तो क्या आप कवच घर पे ठीक कर सकते हैं? क्यों नहीं, जब तक मेरे पास बदलाव का धातु है और कंप्यूटर है, मैं जान पर भी ठीक कर सकता हूँ। क्या इसके लिए जीएसबी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर रस्तोगी? वो पासवर्ड है, मुझे पासवर्ड पता है, पर बस बदलाव के धातु के कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं बदलाव का सॉफ्टवेयर ठीक कर सकूं। कच्चा पदार्थ? कच्चा बदलाव का धातु जीएसबी में है, वो भी कड़ी निगरानी के अंदर, बिना इजाजत के हम इसे छू भी नहीं सकते। 23 घंटे और 42 मिनट बचे हैं, अब हम क्या करेंगे शक्ति, समझ में नहीं आ रहा। सब लोग अलग अलग हो जाओ, कुछ लोग कच्चा धातु लेने जाओ और कुछ लोग मिशन पर ही डटे रहेंगे, समझे? पर शक्ति, हम में से कच्चा धातु लेने कौन जाएगा? सूर्या, तुम और मैं कच्चा धातु लेने जाएंगे। हाँ? क्या? मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारे कवच में जहर लग चुका है, डॉक्टर रस्तोगी को तुम्हें दिखाना होगा इसलिए। मैं सूर्या के साथ रोशनपुर जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम्हारा कवच भी पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है, डॉक्टर रस्तोगी के पास जाने से पहले किसी को जीएसबी जाके कच्चा धातु लाना होगा, और तुम्हारे और सूर्या के कवच की लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है दोस्तों, तुम दोनों के लिए, बस मेरी ये बात भूलना मत तुम दोनों। लेकिन बादशाह, ये मेरा मिशन है और उन्हें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बादशाह, तुम्हें यहाँ बट्टीघाट में ही रुकना होगा बादशाह, क्योंकि तुम इस इलाके को अच्छे से जानते हो। सूर्या, बैठ जाओ। गीता, वक्त बर्बाद मत करो, मैं तुम लोगों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर मिलता हूँ। कुंग फू पांडव, हम करके दिखाएंगे। ओ, जरा आराम से मोहतरमा। शक्ति, यहाँ पर एक भी बच्चा या औरत नहीं दिख रहे, अब आगे क्या करना है? वही करेंगे जो एक जाबाज योद्धा करता है। ये सारा रेगिस्तान किसी भूल भुलैया से कम नहीं है शक्ति।
चलो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सब। निशाने पर है कुंग फू दल, उन्हें पकड़ो और खत्म कर दो। शक्ति तेजी बढ़ाने का वक्त आ गया है। गीता, क्या हम रोशनपुर वापस जाने वाले हैं? वो यहाँ से 1000 मील की दूरी पर है। हमें पहले राखापुर जाना होगा, फिर हम वहाँ से प्लेन लेंगे, समझ गए? क्या कहा प्लान? कहना क्या चाहती हो? वैसे मुझे पहले ही ये सवारी किसी प्लान से कम नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है मैं प्लेन के ऊपर हूँ। तुम्हारे पास कोई अच्छी योजना है? नहीं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो कहीं और जाते हैं। ठीक है, उन्हें भागने मत दो, हमला करो, मिसाइल छोड़ दो। Oh!
क्या सब के सब बेवकूफ हो, बेवकूफ हो तुम सारे, किसी काम के नहीं। ध्यान दे, ऊर्जा खींचने का चरण अंतिम चरण पर है। सुरक्षा के सिस्टम पर ध्यान दे, ऊर्जा तरंगे ढूंढने का काम रोक दो और बेस की सुरक्षा के लिए सारी सेना 3 मील की दूरी पर तैनात कर दो। इतना कड़ा पहरा दो कि एक चींटी तक अंदर घुसने ना पाए। जी सरदार, जान जाने तक रक्षा करेंगे। चला कि तेजी क्या होती है, मुझे तो बहुत मजा आ गया। वाह, हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले हैं। गीता, हेलीकॉप्टर चुराना तुम्हें गलत बात नहीं लगती? चुरा नहीं रहे, किराए पर ले रहे। हाँ, अलीबाग से आए हो क्या? देखो, हमें इन लोगों से जल्द निपटकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा ताकि हम शहर जा सके, समझ गए? हाँ, क्या हमें फिर से लड़ना होगा? यहीं पर रुको। बढ़िया, बहुत अच्छा, यहाँ पर आओ। अच्छा, क्या ये जगह वैसी है जैसी तुमने देखी थी? हाँ शक्ति, ये जगह वैसी ही है, बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है इस जगह के बीचों बीच में, जहाँ तक मुझे याद है। लगता है ये भी एलियंस का ही काम है। सही कहा, मेरे पीछे आओ। हेलीकॉप्टर वहां पर है, चलो चलते हैं। चलो पर बताओ, वहां से बाहर निकलो। कौन हो तुम? हाय, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। आपका तबादला इस विभाग में कब हुआ? पहले कभी मिल चुके हैं। सुनकर बुरा लगा कि आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। वैसे जहां तक मुझे याद है जवाब ना है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब काम भी कर लेती हो। हाँ सूर्या, जीपीएस सिस्टम शुरू करो। शुरू कर दिया। गीता, मैं तैयार हूँ। बढ़िया, चलो चलें।